हाय यूट्यूबर्स। अच्छा, ये जो हमने बैटरी पैक बनाया था 20 AH का, इसके टेस्टिंग रिजल्ट्स कुछ हैं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसको तकरीबन 4 घंटे से ऊपर का टाइम हो चुका है और ये माशाल्लाह ठीक से बैकअप कंटिन्यू इसने रखा हुआ है, और इस टाइम पर इसने 140 वाट आवर्स का लोड जो है वो हमें निकाल कर दे दिया है, और 4 घंटे से ऊपर हो चुका है। छोटा सा बैटरी पैक है, आप देख सकते हैं, छोटा सा है बिल्कुल। और इसका वैसे हमने जो आइडियल रखा है वो 6 घंटे से ज़्यादा का बैकअप जो है ना इसने हमें देना है, इस बैटरी पैक ने, जो हमने जिसके लिए इसको रेडी भी किया है। तो अब इसके ऊपर टेस्टिंग चल रही है, मैं यही चीज़ चेक करना चाह रहा हूँ कि ये हमें कितना बैकअप देती है। तो इसको फ़िलहाल मैंने ओपन कंडीशन में रखा है, इसको मैंने पैक नहीं किया। आप इसकी स्पॉट वेल्डिंग भी देखें, स्ट्रिप्स, निकल स्ट्रिप्स देखें, कोई इसमें किसी तरह की जो है ना कंजूसी नहीं है, बहुत अच्छे से स्पॉट वेल्डिंग हुई है, स्ट्रांग है, और अच्छे से निकल स्ट्रिप यूज़ हुई हैं और हर सेल के साथ कनेक्टेड हैं। तो अच्छे बैटरी पैक के लिए यही होता है कि हर सेल से हमें बैकअप चाहिए होता है, अच्छे से निकल स्ट्रिप्स उसके साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। अक्सर लोगों का देखा है, उन्होंने बीच में ये एक यहाँ पर स्ट्रिप लगाते हैं, एक छोड़ देते हैं, फिर एक लगाई, फिर एक छोड़ दी, एक नीचे कहीं लगाई, इस तरह से करते हैं, या फिर वो ऐसे निकल स्ट्रिप्स लगाते हैं कि एक यहाँ पर लगाई, फिर 2-3 छोड़ दी, फिर 1-2 नीचे लगा दी। तो उस तरह से हमें सारे सेल्स का जो है ना अच्छे से बैकअप नहीं आता, वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं उस तरह से। तो इसकी दोनों तरफ जो है ना इसी तरह से निकल स्ट्रिप्स हैं। ये 3S का बैटरी पैक है और इसके ऊपर सारे जो भी सेल्स यूज़ हुए हैं वो सभी ब्रांडेड सेल्स हैं, LG के हैं ज़्यादातर इसमें सेल्स, और इनमें कोई भी चाइना का सेल नहीं है, क्योंकि चाइना के सेल्स का अच्छा बैकअप नहीं होता है। अब इसके बैकअप से ही हमें पता चल रहा है, माशाल्लाह अच्छे से ये हमें बैटरी पैक जो है ना वो बैकअप दे रहा है। और अगर इसके हम वोल्टेजेस की बात करें तो ये इसको 4 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, 12.54 से इसने स्टार्ट लिया था, अब इसके 10.87 पर हैं, और ये हमें 9 वोल्ट पर आके, मतलब ये समझ लें आप कि अभी तक इसके 1.87 वोल्टेजेस अभी रहते हैं। तो इसने इतना जो है ना 1.86 हो गए, अब ये जो है इसने हमें बैकअप अभी मज़ीद देना है। तो इस टाइम पर इसके ऊपर 2.63 का लोड चल रहा है, एक सीलिंग फ़ैन फुल स्पीड पर है इसके ऊपर जो चल रहा है, हमने उसको स्लो डाउन नहीं किया हुआ, वो बिल्कुल फुल स्पीड उस पर है, नंबर पर है। अच्छा, इसके अगर हम वोल्टेजेस चेक करें एक एक सीरीज़ के, तो वो हमें मिलते हैं, जैसे ये हैं इसके टोटल वोल्टेजेस, और ये इसके फर्स्ट सेल के 3.64 आ रहे हैं, सेकेंड सेल की अगर बात करें 3.63, थर्ड सेल की बात करें तो 3.58। तो ये जो वोल्टेज हैं ये आपस में एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब हैं, मिलते जुलते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके वोल्टेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा हो। जैसे एक सीरीज़ की अगर बात करें तो 3.6 पर हो, दूसरे की 3.3 पर आ चुकी हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस। अब ये भी 3.587, मतलब 3.59 के करीब करीब है, तो ये इनमें 0.5 का जो है ना वो बिल्कुल छोटा सा इनके अंदर वो आ रहा है, बल्कि 0.5 का नहीं, ये जैसे 3.6 पर है और ये 3.6, ये 3.5, तो 0.1 का जो है ना डिफरेंस है, तो 0.1 का बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बैटरी पैक हमारा जो है वो सही से वेल कन्फिगर्ड है, उसके सारे के सारे, अब ये 10.86 पर ही अभी तक रुकी हुई है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना इसके वोल्टी 0.01 वोल्ट भी जो कम हो रहा है वो भी कुछ कुछ मिनट छोड़ कर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 10.8 पर था फिर अचानक 10.5 हो जाए, एकदम से 10.4 हो जाए, एकदम से 10.3 हो जाए, ऐसा नहीं है। इसके बिल्कुल आप देखें ये 10.8 यहाँ तक बिल्कुल स्टेबल है, आगे के वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन जो है ना वो कम हो रहे हैं, जैसे 10.86 थे, फिर 10.85 हुए, फिर 10.84 पे जाएगा अभी, फिर 10.83 होगा, फिर 10.82, इसी तरह 100 होंगे तो तब जाके इसका एक वोल्ट गिरेगा, जैसे 10 है वो फिर 9 पे जाएगा 100 पूरे होने के बाद। तो अभी तक इसके ऊपर लोड ये स्टिल कंटिन्यू है, चल रहे 141 वाट आवर्स हो चुके हैं, 10.7 यहाँ पर बीच में लोड के बीच जो वोल्टेज बता रहे वो ये शो कर रहे हैं, एक्चुअल वोल्टेज इसके 10.85 पर है, और ये 10.85 पर भी अभी देखें ये रुका हुआ है। तो ये रुक रुक के आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन, बिल्कुल स्लो डाउन जो है ना इसके 0.1 वोल्ट जो है वो भी नीचे आ रहा है। इसको हमने बैलेंसिंग लीड लगाई हुई है, एक वायर, दो वायर्स हमने निकाली हैं जो मीटर के साथ अटैच किए हैं, वो प्लस और माइनस से हमने ली हैं, बाकी की जो है हमारे पास वो हमने बैलेंसिंग के साथ लगाई हुई हैं, यही चीज़ चेक करने के लिए कि ये हमें 9 वोल्ट तक आने तक ये हमें कितना बैकअप देती है ये बैटरी पैक हमें, जब यहाँ पर इस मीटर पर 9 वोल्ट आएंगे तो तब तक हमें ये कितना बैकअप दे चुकी होगी। ये आप देखें बैलेंसिंग वायर जो हैं वो इसके साथ कनेक्टेड हैं,
तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, आपको बताता रहता हूँ कि बैटरी पैक में जो सीरियल के वोल्टेजेस होते हैं S1 के, ये ऊपर लिखा हुआ है S1S, ये वाले वोल्टेज, फिर 2S, फिर इसी तरह से 3S, ये वोल्टेजेस हमें बताते हैं बैटरी पैक की कंडीशन कैसी है, मतलब वो किस तरह का है। अब ये देखें उतने के उतने ही वोल्टेजेस पर है, ये 6 3.64 पर ही था, अभी भी वही है, ये 6.3 पर था शायद या 6.2 पर आया, और ये 5.8 पर था, ये 5.8 पे ही है, बिल्कुल मतलब कम कम हो के जो है ना इसके वोल्टेजेस ड्रॉप हो रहे हैं। और इसको हमने बैटरी को अभी तक पैक नहीं किया है, क्योंकि हम बैटरी बना के, एक चीज़ तो ये इसमें आती है कि नॉर्मली अक्सर आप किसी से बैटरी परचेज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सेल्स लेते हैं और वो आपसे कहते हैं कि ये 2000 mAh का सेल है, और उस सेल को 2000 mAh ही कंसिडर करते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं। अब हमारे पास इसके अंदर 6 सेल जो है ना सीरीज़ में है, 1 2 3 4 5 6, और 6 इधर है, ये मतलब 12 सेल जो हैं ये एक सीरीज़ में है। तो अगर हम एक सेल को 2000 या 22 mAh कंसिडर करें, तो इस तरह से तो ये 22 mAh की बैटरी बनती है, लेकिन हम इस तरह से कंसिडर नहीं करते हैं, हम उसमें ये देखते हैं, जैसे ये 12 सेल है, हाँ, तो हम इसमें ये कंसिडर करते हैं, देखते हैं चीज़ कि इसके अंदर mAh कितने हैं इस टाइम पर। तो जितने हमारे पास टेस्टिंग में mAh आते हैं, हम उस हिसाब से बैटरी जो है ना वो बना कर देते हैं, क्योंकि अगर ये इन सेल्स के mAh, कुछ सेल्स वैसे भी हैं जिनके 2600 mAh जो है ना वो रेटेड हैं, तो अगर हम 26 को ही काउंट करें, हालांकि उसके अंदर चेक करने पर तो कैपेसिटी कम आ रही है, 24 आएगी, 23 या 2000 आएगी, तो हम वो कंसिडर करते हैं जितनी कैपेसिटी एक सेल के अंदर मौजूद होती है। अगर हम ये कैपेसिटी जो है ना इस तरह से ना काउंट करें, फिर तो हम उस तरह से बैटरी बना कर दे ही नहीं सकते हैं। अब ये जो बैटरी पैक है, ये जो सेल हैं, ये 2000 से थोड़े थोड़े कम के हैं, और अगर हम इनके ऊपर ये बात करें कि ये सेल जो है ना, इसमें वैसे इस तरह के बैटरी पैक में 10 सेल लगते हैं 2000 mAh के, लेकिन हमने इसमें 12 सेल लगाए हैं, 2 सेल हमने फर्स्ट सीरीज़ में इंक्रीज़ किए, 2 सेकंड में, 2 थर्ड में, तो टोटल ये 6 सेल जो है ना ये हमारे, हमने इजाफी इसमें लगाए हैं सिर्फ इसी वजह से, ताकि सेल ज़्यादा लगाने से ये जो एम्पेयर का लोड होता है पर सेल पर, वो अच्छे से मैनेज हो जाए और ये बैटरी पैक हमें अच्छे से बैकअप दे सके। अब अगर 10 सेल्स इसके हम लगाते और उसके ऊपर ये 2.6 हैं, चले हम 3 एम्पेयर लें और 10 सेल्स के ऊपर लगाएँ और उसके ऊपर डिवाइड करें, तो वो तकरीबन 300 के करीब जो है ना mAh, वो एक सेल पर पड़ेगा लोड, हाँ, एक सेल के ऊपर तकरीबन तकरीबन 300 mAh का लोड आएगा, लेकिन जब हमने 12 सेल्स लगाए हैं तो वो मज़ीद 300 mAh से कम होकर 250, 260, 270 तक आ गया है। तो सेल्स इंक्रीज़ करने का मकसद ये होता है कि हमारा लोड पर सेल के ऊपर कम पड़े और सेल हमें मज़ीद अच्छे से ज़्यादा टाइम तक के लिए बैकअप दे सके। तो बैटरीज़ में मेरा हमेशा यही फार्मूला होता है, मैं जब बैटरी को डिज़ाइन करता हूँ तो उसमें ये सारी जितनी छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं इनको जहन में रखता हूँ। इसी वजह से ये बैटरी पैक जो है ना ये अच्छा बैकअप हमें देते हैं, हम जितना पे करते हैं उसी हिसाब से हमें बैकअप भी फिर इनसे मिलता है। अब ये 143 पर है, 143 वाट आवर्स का इसने बैकअप हमें दे चुकी है, मज़ीद इसने तकरीबन 100 के करीब जो है ना, 90 to 100 के करीब इसने मज़ीद हमें बैकअप कुछ देना है, तो फिर इस बैटरी का जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। तकरीबन 4 आवर्स से ऊपर हो चुके हैं, कम से कम 2 घंटे से ज़्यादा इसने हमें मज़ीद बैकअप देना है, और इंशाल्लाह ये दे भी देगी, क्योंकि अगर आप इसके वोल्टेजेस देखें तो इसके वोल्टेज 10.82 है, उसके बाद 11.82 और 12.82, तो ये 2 वोल्ट देखें, 2 वोल्ट, और फिर उससे ये टोटल जो फुल चार्ज थी ये थी 12.6 पर नहीं थी, 12.54 पर थी, ये फुल चार्ज नहीं थी उस टाइम, थोड़ी सी थी, मतलब 98 to 99% आप समझ लें। तो मैंने इसको टेस्टिंग पर लगा दिया, क्योंकि हमें इसको जल्दी जो है ना ये टेस्ट करना है, इसको आज जैसे मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ ये फुल डिस्चार्ज होगी, फिर मैं इसको आज रात में या कल सुबह इसको वापस जो है ना, मैंने इसको फुल चार्ज भी करना है और बैलेंस चार्ज करना है, ताकि मुझे पता चले कि चार्ज करते हुए ये कितना करंट स्टोर कर रही है, और डिस्चार्ज का तो हमें पता चल जाएगा इसने कितना करंट दिया है, फिर चार्ज करते हुए भी हमने देखना है कितने वाट आवर ये लेती है। तो अब अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करें तो आप ये समझ लें कि 10.8 है, फिर 11.8 और 12.8,
तो 8 से हम इसके 2.2 जो है ना वो कम कर देते हैं, ये समझे इसने 1.8 वोल्ट का जो है ना अभी तक ये यूज़ हुई है, कंज्यूम हुई है, और इसने हमें तकरीबन 4 घंटे से ज़्यादा का बैकअप दिया है। और इसमें बाकी भी अभी 9 वोल्ट तक आने के लिए 1.8 तक जो है ना 1.81 इसमें वोल्टेजेस अभी बाकी हैं। तो ये जो मज़ीद इसी तरह से कम होते रहेंगे हमें बैकअप देती रहेगी, तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने इसको 6 to 7 आवर्स के लिए इसको डिज़ाइन किया था, 6 साढ़े 6 घंटे के हिसाब से कि ये 6 घंटे से ऊपर का बैकअप हमें देगी तकरीबन 6.5। लेकिन इस हिसाब से ये अभी मज़ीद मतलब 7 घंटे से भी प्लस में जा सकती है। तो अगर ये 7 घंटे से भी प्लस में हमें बैकअप देती है तो फिर तो ये बेस्ट और बेहतरीन बैटरी पैक बनता है। तो अब यही टेस्टिंग हम इसके ऊपर कर रहे हैं, हमें पता चले। अच्छा, ये सारी छोटी छोटी जो टेक्निकल चीज़ें हैं जिनके टेस्टिंग और किन किन चीज़ों को हमने देखना है जिससे हमें पता चले, हम सेटिस्फाई हो जाएं भाई हमारा बैटरी पैक बिल्कुल ओके है। तो जब भी मैं बैटरी पैक बनाता हूँ ये टेस्टिंग मैं इस पर्पज़ के लिए करता हूँ कि देखें अगर मैं बैटरी बना कर उसको आगे सेल आउट कर दूँ, डिस्पैच कर दूँ, अगर किसी कस्टमर के पास कोई छोटा सा भी वायर का ज़रा सा भी इशू आता है तो उसके लिए वो प्रॉब्लम बन जाती है। हालांकि हमने ये चीज़ हम करते हैं, पहले जितनी बैटरीज मैंने डिस्पैच की हैं उनके साथ मैं अभी तक पेमेंट लेने के बाद भी मैं फुली उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहता हूँ। और आप जितने भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं आप सबको इस चीज़ का आइडिया होगा, कोई मुझसे बैटरी परचेज करे ना करे, अगर कोई मुझसे कोई क्वेश्चन करता है, कोई चीज़ पूछता है, उसके पास कितना लोड है, किस तरह का बैकअप उसको मिल रहा है, कितने एम्पेयर की बैटरी होनी चाहिए, वो कहाँ से परचेज करे, कौन सी बैटरी बेस्ट है, लाइफ PO4 बेस्ट है या लिथियम आयोन बेस्ट है, या वो कोई और बैटरी यूज़ करे या क्या करे, और कितने एम्पेयर की उसको बैटरी लेनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं वो जो 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 चीज़ मुझसे जानना चाह रहे होते हैं मैं सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस करता हूँ, क्योंकि वो एक तरह से नॉलेज जो है वो उन तक मैं पहुँचा रहा होता हूँ। नॉलेज से जो है ना वो मेरे नॉलेज से बेनिफिट अगर हासिल कर भी रहे हैं तो ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, क्योंकि ये सदका जारिया में सारी चीज़ें जाती हैं। तो हम फ्री में अगर बैठ के सवाब कमाते हैं तो इससे अच्छी और कोई चीज़ कोई भी नहीं हो सकती है। तो जो भी लोग मुझसे जिस बारे में भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं मैं उन्हें फुली गाइड करता हूँ हर चीज़ के हवाले से। बाकी जब हम इतनी मेहनत करते हैं हर चीज़ बैटरी पैक के ऊपर, इतनी टेस्टिंग सारा कुछ प्रॉपर वे में सब कुछ करके सेटिस्फाई हो के हर चीज़ जब बैटरी पैक आगे डिस्पैच करते हैं, कुछ कस्टमर्स को मुझसे ये कंप्लेन थी कि आपके पास कॉस्टली क्यों है, तो कॉस्टली नहीं है, हम जो मार्केट रेट चल रहा है वो 45 रुपीज़ पर वाट जो है ना वो प्राइस रेट चल रहा है। लेकिन मैं इससे भी कोशिश करता हूँ अगर लेस हो सकता है जैसे बड़ी बैटरीज़ में, तो मैं थोड़ा बहुत लेस करके उनको जितना पॉसिबल हो डिस्काउंट करके तो फिर उनको जो है ना हम बैटरीज़ बना कर देते हैं। तो एक नॉर्मल बंदा आपको बैटरी बना कर दे रहा है वो आपसे 45 रुपये पर वॉट के हिसाब से ले रहा है। सेकंड, अगर एक बंदा आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट हर टेक्निकल चीज़ें देखते हुए टेस्टिंग करके ओके 100% करके आपको डिस्पैच करता है ताकि आपके लिए कल को कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। हमारे पास यहाँ पर कोई भी छोटा मोटा इशू आएगा हम तो टेस्टिंग कर रहे हैं, हमारे पास इशू आएगा हम यहीं पे उसे सॉल्व आउट कर लेंगे, हमारे पास इस टाइम पर कोई मसला नहीं है इन चीज़ों को सेट करने का। लेकिन जब डिस्पैच हो के आपके पास चली जाएगी तो प्रॉब्लम आएगा। लेकिन इसके लिए हम ये चीज़ करते हैं कि हम 100% एक चीज़ को ओके करके बिल्कुल सही से बेहतरीन बनाकर फिर आपको डिस्पैच करते हैं ताकि आपके पास कोई ज़रा सा भी उससे रिलेटेड जो है ना प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपके पास इन केस, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती हैं कोई पता नहीं चलता, अगर आपके पास से शॉर्ट सर्किट हो जाए, कोई मसला आ जाए, या कोई छोटे बच्चे इसमें कोई हरकत कर दें, या कोई भी ऐसा इशू आ जाए, उसके लिए आप हमें वीडियो भेज सकते हैं इसकी बनाकर, आप हमें वॉइस कर सकते हैं। जिस टाइम पर भी मुझे टाइम मिलेगा मैं फ्री होऊंगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी पर्सन को मैंने रिप्लाई ना किया हो या छोड़ दिया हो, चाहे वो कमेंट्स कर रहे हो चैनल पर या वो व्हाट्सएप पे मुझे कर रहे हो, उन्हें मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो अगर इन केस कोई आपके पास से कोई मसला आ भी जाए, अल्लाह ना करे ऐसा कोई इशू हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि इस बैटरी में क्या मसला है, क्योंकि हमें तो सारी चीज़ें पता है, हम जब खुद हमने ही बनाई है तो हमें तो पता चल जाएगा उसमें क्या मसला हो सकता है। तो हम अगर कहीं पर भी उसको रिपेयरिंग की नीड पड़ती है हम आपको रिपेयर करके उसमें करवाएंगे। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रीशियन या ऐसा बंदा है जिसको थोड़ी बहुत बेसिक्स का नॉलेज है, जिसके पास सोल्डरिंग आयरन, काविया, टांके वाला, इस तरह की चीज़ें हैं, उससे आप हमारी बात करवा सकते हैं। हम उसको कंप्लीट हर चीज़ के बारे में बताएंगे कि भाई ये वायर इस तरह से यहाँ पर है, ऐसे है, वैसे है, ये वो, और आपकी बैटरी आप ये समझें कि मिनटों में रिपेयर हो जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा।
अगर उसमें कभी आगे जाके 3, 4, 5, 6 साल के बाद अगर आपको सेल्स का इशू आता है कि आप कहते हैं कि हमें जो है ना बैटरी को इंक्रीज़ करवाना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए भी हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। अगर अभी भी आपके पास कोई बैटरी आप उसको इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, भले वो आपने हमसे नहीं भी परचेज़ की, तो भी हम आपको गाइड करेंगे। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, कहीं पर भी आपको मेरी किसी भी तरह की अगर हेल्प चाहिए हो तो हम बिल्कुल हाजिर हैं, हर तरह से आपको हेल्प आउट करेंगे। अभी हमने तकरीबन ये देखें जब से वीडियो स्टार्ट हुई है, इसका टाइम भी आप चेक कर सकते हैं, अभी इसने 10.8 पर था, अब जाके इसने 10.7 पर आई है। मतलब इस लास्ट वाले को आप नहीं देखें, आप सिर्फ ये वाले वोल्टेजेस काउंट करें, क्योंकि आपके पास ये वाले वोल्टेजेस आ रहे होते हैं। 10.8 पर थी, अब जाके कहीं ये जो है ना बैटरी 10.7 पर आई है। तो ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन 15-20 मिनट ऐसे करके एक एक पॉइंट इसका नीचे जाता है, और ये अच्छा खासा हमें लॉन्ग टाइम के लिए जो है ना हमें बैकअप प्रोवाइड कर देती है। और लीड एसिड में 10 वोल्ट तक आता है, इसमें 9 वोल्ट तक बैकअप आता है। ये लीड एसिड से हमें 1 वोल्ट ज़्यादा का हमें बैकअप देती है, तो इसलिए इसका बैकअप भी अच्छा आता है। और लीड एसिड बैटरी जो होती है वो लंबे अरसे के लिए नहीं चल सकती है, वो जस्ट 6 महीने 8 महीने 1 साल 6 महीने तक आपको सही बैकअप देगी, उसके बाद 1 साल बाद जो है ना आपको आधा बैकअप कर देती है, और उसके बाद तो उसकी प्लेट्स ही मतलब बिल्कुल जवाब ही दे जाती हैं। तो ये बैटरी अभी भी देखें 10.7 है, ये 10.7 पर ही अटकी रहेगी, ऐसे ही रहेगी, क्योंकि 7.7 है। अगर यहाँ पर आप देखें 7.6, तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके 7.6, फिर 5, 4, 3, 2, 1, 0, तब जाके यहाँ पर 10.6 होगा। अचानक से एकदम से इसके वोल्टेजेस नहीं गिरते हैं। और ये जो फ़ैन छत वाला चल रहा है ये 4 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, अब तो 4.25 घंटे समझ लें, 4.5 घंटे करीब जा रहा है। तो इसी तरह से मतलब ये कंटिन्यू, अगर आप दिन में जो है ना रेस्ट करना चाह रहे हैं, आपकी नाइट ड्यूटी है, या आप रात में रेस्ट करना चाह रहे हैं, आपके पास लोड शेडिंग है, आप आराम से इस बैटरी को लगाएं और उसके बाद बिल्कुल बेसकून होकर सो जाएं, आपका फ़ैन बिल्कुल सही स्पीड चलता रहेगा, बिल्कुल रुकेगा नहीं, और आपको बैकअप मिलता रहेगा, कोई आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। बाकी इसकी जो लाइफ टाइम है वो 8 से 10 घंटे इस बैटरी पैक का जो है ना लाइफ टाइम होता है। 5 साल तो कम से कम है, 5 साल से ऊपर ही जाती हैं ये, 8 साल भी चल जाती हैं, 10 साल भी चल जाती हैं, फिर जाके अगर कोई प्रॉब्लम आता है आपके पास तो वो भी इनमें रिपेयर हो जाता है। अगर कोई सेल इसका ख़राब होता है, कोई सेल का इशू आता है, वो सेल आप जस्ट चेंज करवाएं, आपका पूरा बैटरी पैक ठीक हो जाता है। तो ये ऑप्शंस हैं इसमें। तो आप लोग भी अगर बैटरी पैक बनवाना चाहते हैं हमें व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डेज़ में मेरे पास भी थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल आने वाला है, देखते हैं फिर जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा उस हिसाब से हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे, जिस हिसाब से वीडियोस बनेंगी, नॉलेज आप तक पहुँचाना है हमने, जिस हिसाब से भी हम पहुँचा सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अगर उनके भी ये चीज़ें काम आएंगी तो ये सदका जारिया जो अगर हमें मिल रहा है, अगर हम फ्री में आपको नॉलेज दे रहे हैं, तो ये फिर आपके आप भी उसमें जो है ना शामिल हो जाते हैं। तो क्योंकि ये जो हम वीडियोस बनाते हैं, आप व्हाट्सएप पे मुझसे कोई भी डिटेल्स पूछते हैं, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ का नॉलेज दे रहे होते हैं। तो अभी जब ये बैटरी जिस टाइम पर एंड होगी, हमें जितना बैकअप देगी वो इंशाल्लाह वो भी हम आपसे शेयर ज़रूर शेयर करेंगे।